हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब डिटेक्टर में। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को लेकर काफी बड़ी न्यूज आ रही है। जितने भी स्टूडेंट रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सोच लो दोस्तों कि रेलवे में नौकरी पक्की है। दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप कोई भी न्यूज है, आप लोग स्टार्टिंग से मैं एक एक पॉइंट बताते आ रहा हूँ और हमेशा कहा था कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए जरूर होने वाला। और फाइनली दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है बट कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर रहा था कि ये बिल्कुल कंफर्म हो जाए, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस आ जाए, उसके बाद ही अपने स्टूडेंट को अपने जितने भी मेरे भाई बंधु है सबके साथ शेयर करूँ। तो फाइनली नोटिस आ चुका और आप लोगों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। जब मैं पहले वीडियो बनाता था तो बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट करते थे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों को हमेशा से कहता था कि कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिस किए, फाइनली उसका अपडेट आ चुका। आप लोगों को दो अपडेट बताऊंगा, जो एक ऑफिशियल है और जो इससे पहले आया था। दोनों में यदि आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो से आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आप लोग एक एक पॉइंट आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाएगा और इससे आने वाले आपके भविष्य में क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान है और क्या और अपडेट होना चाहिए, सारा कुछ हमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो को आप लोग को अच्छा लगेगा। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक्ट अप्रेंटिस जिंदाबाद, ठीक है, यही आप लोग से चाहते हैं। तो चलिए आप लोगों को दोनों नोटिस दिखाते हैं एक एक करके। देखिए ये पहला नोटिस है जो आया था अखिल भारतीय रेल कर्मी संघ के तरफ से, ठीक है। और मैं यहाँ पे काफी ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे शिवगोपाल मिश्रा जी का, जो जिन्होंने रेलवे अप्रेंटिस के लिए सही में कुछ किया। जो 20% कोटा था ये तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था। जितने भी रेलवे अप्रेंटिस था और कहीं ना कहीं जीएम पावर हमें चाहिए था बट वो नहीं मिला, बट कुछ ना कुछ हमें मिला जो की काफी अच्छा है और स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले आने वाले जितने भी अपकमिंग वैकेंसी है। और इसमें कुछ डाउट है जो आप लोग के मन में है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये अपडेट आपका 10 मार्च में भी 10 मार्च में ही आ गया था। मैंने सोचा था 10 मार्च को आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं बट कंफर्मेशन के लिए मैं वीडियो नहीं बनाया था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है, देखिए गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी यानी ग्रुप डी की बात करें तो देखिए आधारित टेस्ट के लिए वेतन स्तर पर अनुमान 20 गुना अधिकतम उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस के लिए क्या लिखा है, देखिए देखिए अधिनियम अप्रेंटिस की एनसीबीटी परीक्षा, याद रखिए सिर्फ एनसीबीटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब की बार यदि कोई भी स्टूडेंट आईटीआई करेंगे तो प्लीज एनसीबीटी से कीजिएगा, क्योंकि एनसीबीटी देखिए एक गवर्नमेंट हो जाए तो इससे काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जो एनसीबीटी में आप लोग का आईटीआई में जितना भी मार्क्स आने वाला है, इसलिए आप लोग बिल्कुल फोकस से इस बार आईटीआई का एग्जाम दोगे। जो भी एग्जाम देने वाले हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हो, उनका एक तिहाई का वेटेज, ठीक है, एक तिहाई का वेटेज आपका जो सीबीटी वन होगा ना, सीबीटी वन जब आप लिखोगे ग्रुप डे के एग्जाम में उसमें एड हो जाएंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सोच लीजिए यदि आपका उसमें 85% आ जाता है तो सोच लीजिए आपका एक तिहाई मार्क्स कितना बन जाएगा। उतना मार्क्स आपका सीधे सीधे सीबीटी वन का जो आप एग्जाम दोगे, जो अप्रेंटिस नहीं किएगा उसका दोस्तों सोचिए कितना कट ऑफ जाएगा। जो आप सीबीटी वन दोगे, यदि आप 15 नंबर लाते हो प्लस इधर का जो आपका आईटीआई का एक तिहाई मार्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन होने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। सोचिए कितना बड़ा आपका एडवांटेज दिया गया। वो तो सिर्फ 20% में भी आपका काफी ज्यादा फाइट था बट यहाँ सीबीटी वन का एक तिहाई भाग आपका आईटीआई का वेटेज यहाँ पे लिया जाएगा, जो की काफी बिग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ, एक तिहाई अंक का वेटेज मिलेगा और साथ ही उनके पीटी और जो पीटी होता था ना, दौड़ होता था, वो भी आप लोग के लिए नहीं रखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए 2 साल का आप कड़ी मेहनत करके आईटीआई करते हो, आईटीआई में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, उसके बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप जो कि रेलवे में, सोच सकते हो रेलवे का अप्रेंटिस कितना ज्यादा हार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं आप एक जो फ्रेशर ग्रुप डी का कर्मचारी होता है उससे कहीं गुना ज्यादा आप स्किल एंड आप ज्यादा मजबूत हो जाते हो। इसलिए दोस्तों इसका पीटी को भी हटा दिया गया जो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे काम किया गया। ये पीटी को जो हटाया ना अप्रेंटिस वालों के लिए, कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा कदम उठाया गया। इस पर आपका क्या राय नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद बात कर देंगे, यह कोर्स कंप्लीट रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की एक बड़ी उपलब्धि है, ठीक है, और हमें आशा करता है कि यह आपको रेलवे में बहुत ही जल्दी ये आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ये पहले का आया था बट अभी नोटिफिकेशन आ चुका रेलवे का ऑफिशियली, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद लिखा है, जहां तक केवल एक के पदों की परीक्षा का सवाल है, उक्त सीमित ने सिंगल स्टेट परीक्षा की हमारी मांग को स्वीकार कर लिया। और याद रखिए कि एक ही सीबीटी होगा, जो सीबीटी टू की बात की जा रही थी वो अब नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बिग अपॉर्चुनिटी है। देखिए जितने भी एसटी एससी कैटेगरी का, कहीं ना कहीं 15 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और वही बात करें तो जनरल के लिए 25 नंबर में आपका सिलेक्शन फिक्स है। आइए अब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या है और उसमें एक चीज का कंफ्यूजन है दोस्तों, वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, नोटिस फॉर CCAS, ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है रेलवे के तरफ से, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, वो ये ऑफिशियल नोटिस है, इसी का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद ही दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बना के ला रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया, बट आप लोगों को पूरा यहाँ पे डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वही चीज लिखा, देखिए, CCAS ट्रेनी रेलवे एस्टेब्लिशमेंट विल बी गिवन ड्यू वेटेज, ठीक है, फॉर द ट्रेनिंग डन बाय द रेलवे, ठीक है, यानी जो रेलवे से अप्रेंटिस किए उनको वेटेज दिया जाएगा। बट यहाँ पे जो वहां पे लिखा था 1/3, यानी 1/3 का जो आप लोगों को वेटेज दिया जाएगा, यहाँ पे वो चीज मेंशन नहीं है, वो चीज यहाँ पे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, बट वेटेज दिया जाएगा, बट कितना दिया जाएगा वो यहाँ पे कन्फर्म नहीं किया गया, ठीक है। CBT 1 का फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगा, ठीक है, जब फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तब आपका वेटेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि कितना दिया जाएगा, 1/3 दिया जाएगा, 2/3 दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है। आई होप आने वाले टाइम में उसको मेंशन कर दिया जाए। वो 20% का क्या होगा, अभी उसका भी फैसला नहीं हुआ, उसके बदले इसको लाया गया या क्या, ये अलग से अभी वो कन्फर्म नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा, ये सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है NCVT, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, सिर्फ NCVT वालों के लिए ये दिया जाएगा, SCVT वालों के लिए यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है उसको लेकर क्या है। और ये जितना कुछ ये आप लोग का अप्लाई होगा आने वाले वैकेंसी में होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि जो उन्होंने पहले रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है और उन्होंने अप्रेंटिस बाद में पास आउट हुए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको मॉडिफिकेशन लिंक चाहिए जो कि अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, उसको लेकर क्या राय है, अभी तक कोई उसका अपडेट नहीं आया, कोई भी अपडेट आता उसको लेकर तो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त अपने ग्रुप के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी जो कि 11 तारीख को ही आया हुआ था, वो आप लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी लिखा हुआ कि आपका जो PT का एग्जाम होगा वो अब नहीं होने वाला है, ठीक है, यानी आप सिर्फ CBT क्लियर कीजिए, मेडिकल होगा और सीधे आपका ज्वाइनिंग होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात है। बात करें हुए मॉडिफिकेशन लिंक के लिए, तो देखिए आई होप आ सकते हैं मॉडिफिकेशन लिंक, और यदि नहीं भी आता तो दोस्तों अगले बार जब भी ग्रुप डी निकलेगा तो आप लोगों को थोड़ा सा भी तैयारी रहेगा तो आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके लिखिए बताइएगा, और नीचे #ActApprentice जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ शिव गोपाल मिश्रा जी का, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।